खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में पहली बार चौथे नंबर पर रही महिला हॉकी टीम का भोपाल के मिंटो हॉल में सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी 19 खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है। इन बेटियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया। देश के दिल मध्य प्रदेश में इन्हें सम्मानित कर कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। अगले ओलंपिक में ये बेटियां जरूर गोल्ड मेडल जीत कर आएंगी। इस दौरान खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में हॉकी के 4 नए एस्ट्रो टर्फ लगेंगे, अभी 11 मौजूद हैं। ओडिशा के बाद मध्य प्रदेश हॉकी का हब बनेगा। बेटा और बेटी बराबर, और आप देख रहे हैं आजकल हर फील्ड में बेटियां अपना नाम रोशन कर रही है और माता पिता का सम्मान और देश का सम्मान आगे बढ़ा रही है। इसलिए बेटियों को आने दो, इसका मतलब ये नहीं कि बेटों से प्यार मत करो, उनको बेटे उदास हो जाए। लेकिन देशवासियों से कहना चाहता हूं कि बेटियां किसी से कम नहीं है, और जब तक बेटियां और महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। आधी आबादी आगे बढ़ेगी तभी हिंदुस्तान की प्रगति करेगा। और इसलिए हमने बता दी जो लोकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले मध्य प्रदेश में दिया, और पुलिस में भी 30% बेटियां मेरी देख रही होगी टीच करती है, तो सब जगह हमने बेटियों की उपस्थिति बढ़ाइए। गांव में कहते थे कि बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, पूरी का दीपक है। मैंने कहा देखो गारंटी नहीं ले सकते कि बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, कहीं तो दुर्गति और कर देते बुढ़ापे में बाबा। लेकिन मैंने कहा मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि बेटी जब तक उनकी सांस चलेगी तब तक माता पिता का सम्मान करना और चिंता करना नहीं। वो हम जानते हैं, पर एक और हम दे दो हमें, और वो है मध्य प्रदेश।